तो दोस्तों आज फिर से स्वागत है एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक स्प्रिंग बोर्ड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों जस्ट आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करना जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आपका बोर्ड आसानी से बन जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हेल्पिंग वीडियोज़ के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहती है दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आके आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी लिंक मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐप आईडी है, एपीआई है और यूज़र आईडी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको कैसे लेनी है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, दोस्तों ये वीडियो आपको जाके देख लेनी है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी आसानी से, और इनको कहीं पे सेव कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट लिंक हीरोकू का, इस वेबसाइट के अंदर आपको साइनअप कर लेना दोस्तों, ठीक है। साइनअप करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इस लोगो पर आपको क्लिक करना दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अकाउंट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, और फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको क्लिक करना है रिवाइवल पे, और यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है ये दोस्तों इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और कहीं पे सेव कर लेना आपको, ठीक है। इसे हम एपीआई की भी कहते हैं, और यहाँ पे मैं नेम डाल लेता हूँ, ठीक है, आसानी रहेगी बाद में। इसके बाद दोस्तों आपको बोट फादर का लिंक मिलता है दोस्तों, ठीक है। बोट फादर के लिंक पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है, और ये बोट आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ये बोट आपको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों ये आपको मैसेज मिलेगा दोस्तों, आपको क्लिक करना है स्लैश न्यू बोट पर दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आप अपने बोट का नेम रखना चाहते हैं दोस्तों वे रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ टेस्ट बोट, और इसके बाद आपको एक यूज़र नेम भी सेंड करना होगा दोस्तों, ठीक है। और उसके लास्ट में आपको बोट टाइप करना ज़रूरी है, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अपना नेम टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में बोट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा बोट बन चुका है अभी तो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको एक टोकन मिलेगा दोस्तों, ये वाला, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से आपको 10 बोट्स बनाने हैं दोस्तों, ठीक है। और जो ये टोकन है दोस्तों इसको आपको कॉपी कर लेना है और कहीं पे सेव कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले ही 10 बोट्स बना रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे टोकन यहाँ पे पहले ही सेव करके रखे हैं आपके लिए दोस्तों, ठीक है। 10 बोट बनाने होंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट लिंक मिलता है गेट हुब का, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको डिप्लॉय करते हो दोस्तों और आपके मोबाइल के अंदर डिप्लॉय प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, बहुत से बोर्ड्स में आती है आजकल, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना थ्री डॉट्स पर, और फिर डेस्कटॉप साइज पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फोर का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उस पर क्लिक करने पर दोस्तों कुछ इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने वापस आ जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइज को रिमूव कर देना दोस्तों, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक नीचे दिखाई देगा लर्निंग बोर्ड 79, ठीक है। जो आपका यूज़र नेम है गेटहब अकाउंट में, वे आपका नेम यहाँ पे दिखाई देगा, और ये डेडपूल स्पैम बोर्ड, ठीक है, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने वापस आ जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे पेन का सिंबल आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है विद हीरोकू, ठीक है। इसके नीचे एक लिंक है http://www.heroku.com, ठीक है। तो आप इसको राइट हैंड साइड कीजिए, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा https://github.com/, ठीक है। जो ये गॉड फादर है दोस्तों, ठीक है, जो ये बीच का है ना दोस्तों, इसको कट करना है आपको। यहाँ पे जो ये डेडली स्पेम है ना, इसको कट नहीं करना है, और इस स्लैश को भी नहीं कट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कट करके, ठीक है,
यहाँ पे आपको अपने गेटहब अकाउंट का यूज़र नेम डालना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और ये डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर जाना है और एडिट फाइल पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। और फिर नीचे आना है और कमिट चेंज पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्लिक करना है कोड्स पर। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है व्यू कोड्स पर, और यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा दोस्तों ऐप जोसन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स मिलेंगी, इस पर आप क्लिक कीजिए, और फिर आपको एडिट फाइल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा रिपोजिटरी, ठीक है, जो भी इसका नेम है दोस्तों, यहाँ पे आर से शुरू होता है, ठीक है। इसके आपको यहाँ पे ऐसे करना है राइट हैंड साइड, ठीक है, और यहाँ पे https://t.me/, ठीक है, जो ये नेम है दोस्तों डेडली फाइटर, जो भी कुछ नेम है दोस्तों, इसको आपको कट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर से अपने गेटहब अकाउंट का यूज़र नेम डालना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी स्लैश कट मत कर देना ज़्यादा दोस्तों, और यहाँ पे कोई भी कोमा मत कर देना, ठीक है, अगर अदरवाइज यहाँ पे आपको रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है एडिट फाइल पर, और स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रीन बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपको क्लिक करना है कोड्स पर। अब दोस्तों आपके मोबाइल में डिप्लॉय प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यहाँ पे मैं आपको डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे डिप्लॉय टू हीरो को बटन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में डालना है ऐप नेम, ठीक है, कोई भी नेम आप डाल सकते हैं, बट वो यूनिक होना चाहिए और फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है, जो भी नेम आप जो भी चाहे रख सकते हैं दोस्तों। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलाइव पीछे ये बोलेगा फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम के अंदर आना है, ठीक है, और मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर लर्निंग बोर्ड्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना, और ये ग्रुप आपके सामने आ जाएगा, ये ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेंड करना हैश टेलीग्राफ, ठीक है, TELEGRAPH, ठीक है। तो ये सेंड करने के बाद दोस्तों रोज़ बोट आपको एक रिप्लाई में एक बोट का यूज़र नेम देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बोट आपको स्टार्ट कर लेना है, और जो भी आप फोटो चाहते हैं कि बोट के अंदर लगे दोस्तों, ठीक है, वे फ़ोटो आपको सेंड कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस फोटो का यहाँ पे लिंक बन जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना दोस्तों, ठीक है, और ये लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है आपको। ये करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन में API हैश पेस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ API हैश, और इसके बाद आपको API ID पेस्ट करनी है, ठीक है, इसे हम ऐप आईडी भी बोलते हैं दोस्तों, और API ID भी। इससे नेक्स्ट में दोस्तों सभी में आपको बोट टोकन डालने हैं अलग अलग, ठीक है, सभी उन 10 बोट्स का टोकन डाला आपको अलग अलग, जो आपने बोट बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर एक बोट का टोकन यहाँ पे पहले ही सेव करके रखा है, ठीक है, एक एक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी बोट्स का टोकन डाल दिया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको कमांड हेडर का यहाँ पे एक बटन मिलता है, इसको आप छेड़ना मत दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये बोलेगा नेक्स्ट ऑप्शन में हीरोको API की, ठीक है, यहाँ पे जो हमने वेबसाइट से API की ली थी ये दोस्तों, ठीक है, इसको कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको हीरोको ऐप नेम यहाँ पर टाइप करना है, या आप कॉपी करके ला सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जाना आपको, ठीक है, जो ये नेम आपने यहाँ पे रखा था दोस्तों, यही नेम वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ऐप नेम में। और इसके बाद आपको यहाँ पे ओनर आईडी डालनी है दोस्तों,
जिसे हम सूडो आईडी बोलते हैं, यूज़र आईडी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने दूसरे टेलीग्राम अकाउंट्स के यूज़र आईडी भी डाल सकते हैं इन बोट्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है यहाँ पे डिप्लॉय ऐप पर, यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बताया था, आपके में डिप्लॉय प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि मैंने आपको स्टेप बताई आप उसको कर लेते हैं तो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक या दो मिनट लेगा। A few moments later. तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज ऐप पर दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको सेकंड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको पेन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ये बटन इसको ऑन करना है, और फिर कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है, ठीक है, और फिर व्यू लॉक्स पर। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आप एक मिनट वेट कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ग्रुप बना रखा है पहले से ही दोस्तों, और इसमें बोट ऐड कर रखे हैं लगभग 8 या 9 दोस्तों, ठीक है। को कमांड सेंड करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन टाइप करना है दोस्तों, ठीक है, और फिर आपको PING, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सभी बोट वर्क कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे 5-6 बोट ऐड कर रखे हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सेंड करना है एक्सक्लेमेशन साइन SPAM, ठीक है, और जितने वैल्यू के आप, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू डाल देना आप 10, ठीक है, और जो भी लिंक या मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर देना, जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हाई टाइप कर देता हूँ, और फिर आपको सेंड कर देना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बोट ने यहाँ पे हाई हाई सेंड कर दिया सभी बोट्स ने दोस्तों, देखो कितना ज़्यादा स्पैम कर दिया है। तो इस तरीके से आप बोट बना सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एज यू आर हेल्पिंग वीडियोज़ के लिए।